Clash of Clans. Hi guys, welcome back to my channel Clash with the Ways. I am back with another interesting video for you. Last time मैंने आपको बताया था कि मैं बिल्डर हॉल और टाउन हॉल मैक्स करने की आपको लॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिल्डर बेस की एक स्ट्रेटजी जिससे आप वर्सेस बैटल जीत सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये आप देख सकते हैं मेरा टाउन हॉल लगभग मैक्स होने वाला है। 12 वॉल्स मेरे बचे हुए हैं और बारबेरियन किंग अपडेट पे है। यहाँ पे 4x बोनस लूट चल रहा था जो मैंने अब कलेक्ट कर लिया ट्रेजरी से। तो अब मैं वॉल्स अपग्रेड करता हूँ 30 लैक्स की। मैंने वॉल्स अपग्रेड कर दी है और ये आप देख सकते हैं मेरा वार्डन मैक्स था। और फिर आप अपने बेसिस कैसे मैक्स कर सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे CWL के रिवॉर्ड से लीग शॉप है। आप CWL से आपको 200 से 300 तक पॉइंट्स मिल सकते हैं हर CWL के ख़त्म होने के बाद। CWL मतलब क्लैन वॉर लीग, वो अभी चालू होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा हैमर ऑफ बिल्डिंग। इससे आप बिना पैसे खर्चे हुए अपनी कोई भी बिल्डिंग तुरंत मैक्स कर सकते हैं एक सेकंड में। आपको गोल्ड नहीं देना है बिल्कुल भी, सिर्फ आपको चाहिए 120 क्लैन मेडल्स। हैमर ऑफ फाइटिंग देख लेते हैं। हैमर ऑफ फाइटिंग, उससे आप कोई भी ट्रूप्स मैक्स कर सकते हैं। फिर हैमर ऑफ स्पेल्स, उससे आप कोई भी स्पेल को इंस्टेंटली मैक्स कर सकते हैं। और फिर अंत में हमारा हैमर ऑफ हीरोज, जिससे आप कोई भी हीरोज को मैक्स कर सकते हैं। फर्क इतना है कि हैमर ऑफ हीरोज में थोड़ा सा क्लैन मेडल ज़्यादा लगेगा 165। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप हैमर ऑफ बिल्डिंग ट्रोप्स और स्पेल ज़्यादा यूज़ करें और हैमर ऑफ हीरोज भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हैमर ऑफ बिल्डिंग यूज़ कब करना है, आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जैसे ईगल आर्टिलरी और इन्फर्नो टावर जिनको 10-15 दिन लगते हैं, वैसे में आप हैमर ऑफ बिल्डिंग यूज़ करें। और हैमर ऑफ फाइटिंग जो ट्रोप्स को 10-12 दिन लगते हैं अपग्रेड होने में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं वॉल ऑफ रिंग, वॉल रिंग्स मेरे पास 19 पड़ी है। वॉल रिंग्स हमें चैलेंजेस से मिलती है जो हमारे क्लैन गेम्स में आते हैं और वीकली मंथली चैलेंजेस भी कुछ आते हैं। और ये है मेरा बिल्डर बेस। यहाँ आप देख सकते हैं एक जायंट कैनन मेरा अपग्रेड पे है। मेरे पास है 30 लाख एलिक्सर्स और एक वॉल दिखा रहा है 30 लाख एलिक्सर्स का। और फिर मेरे पास मैजिक आइटम में एक स्टोन पड़ा है रून ऑफ एलिक्सर। ये रिसर्च में आप देख सकते हैं ये पैका लेवल 17 पे अपग्रेड पे, उसमें थोड़ा टाइम बाकी है 13 आवर्स। तो अभी हमने कुछ नहीं करना है, पैका का वेट करना है। ये आप देख सकते हैं रून ऑफ बिल्डर एलिक्सर है। और वॉल रिंग्स देखिए मैंने सब कलेक्ट कर रखी है इतनी सारी। तो हम वेट करेंगे जब तक पैका का टाइम ओवर ना हो जाए, तब तक हमने एलिक्सर कलेक्ट नहीं करने। यहाँ पे एलिक्सर देख सकते हैं मैंने कलेक्ट नहीं किए। और वेट करने के बाद जब पैका ओवर हुआ, अपग्रेड हो गया, हमने 30 लाख से वॉल अपग्रेड कर लिया, फिर बाकी का हमने स्टोरेज फुल कर लिया रून ऑफ बिल्डर एलिक्सर यूज करके। और फिर हमने उससे पैका अपग्रेड पर लगा दिया और अब वॉल रिंग्स हमारे पास बची है 19। तो हम देख सकते हैं एक वॉल आपको दिख रहा है पिंक कलर का, उसे अपग्रेड करने की ट्राई करेंगे वॉल रिंग से। ये 6 यूज़ कर लिया हमने और एक वॉल मेरा 13 वॉल रिंग्स बचा है मेरा। वॉल लेवल 8 के वॉल हो चुके हैं सब, सिर्फ एक वॉल यहाँ पे आपको दिख रहा है लेवल 5 का है, उसे भी हम सब वॉल रिंग्स यूज करके लेवल 8 तक कंप्लीट कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं सारे 19 वॉल रिंग्स मैंने यूज़ कर दिए वॉल्स को अपग्रेड करने के लिए और सारे वॉल्स मेरे लेवल 8 के हो चुके हैं और वॉल रिंग्स अब रिप्लेनिश हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पास बुक्स भी थे, बुक ऑफ हीरोज थी और बुक ऑफ स्पेल्स था, वो मैंने अभी बचा के रखी। क्यों? क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट मैक्स हो चुका है, मैं TH 12 पर जाने वाला हूँ
और तब स्टार्टिंग में मैं सब यूज़ करूँगा, ऐसे आपको सोच के रखना है सर। अब हमारा एक बिल्डर फ्री है, वहाँ मैंने बिल्डर बेस में मैं एक एक्स्ट्रा बिल्डर यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी वहाँ मेरा ज़रूरत नहीं है। तो एक बिल्डर आप कहीं भी सफल कर सकते हो। ये हम अपग्रेड कर देंगे फायर क्रैकर्स को। अब चलते हैं टाउन हॉल की तरफ। ये आप देख सकते हैं लावा लॉन्चर मेरे लेवल 5 है, मेगा टेस्ला लेवल 9 है। ये सबसे मेन लेवल 9 पे आने को होता है ऑटो हट। ये एक एक्स्ट्रा बिल्डर है जो बिल्डर बेस प्रोवाइड करने वाला है। इसके लिए आपको कुछ अपग्रेड्स पूरे करने पड़ते हैं। सबसे पहला तो गियर अप 3 बिल्डिंग्स इन होम विलेज करना होता है आपको, जैसे डबल कैनन होता है, मल्टी मोर्टार होता है, वो सब आपको अपग्रेड करने लाए, मेरा हो चुका है। फिर सेकेंड अपग्रेड हमें करना है कैनन कार्ड को लेवल 18, वो भी मैं कर चुका हूँ। फिर मेगा टेस्ला लेवल 9 और फिर बैटल मशीन लेवल 30, ये सब अपग्रेड मैं कर चुका हूँ, तब जाके सेकेंड बिल्डर खुला है मैं। और ये आर्मी कैंप में आप देख सकते हैं ट्रूप्स मोस्ट ऑफ लेवल 16 के, क्योंकि मैं अभी अभी टाउन हॉल 9 पे आया हूँ। और ये अभी सीजन खत्म हुआ है, तो सीजन चैलेंज से 50 लाख हमको मिलता है। ये देखिए डायरेक्ट ऐड हो चुका है मेन ट्रेजरी में, तो वो 50 लाख से मैं बाकी की बची वॉल्स अपग्रेड कर लूँगा। और एक बार अब 60 लाख से तो दो बार और वॉल अपग्रेड हो सकती है, तो दो बार हमने वॉल अपग्रेड कर ली। अब बचे हैं मेरी 4 वॉल्स और बार्बेरियन किंग भी आप देख सकते हैं 5 आवर्स में मैक्स हो जाएगा। और फिर टाउन हॉल में मेरा 12 होने के लिए ऑलमोस्ट 6 डेज 22 आवर्स बचे हैं, तो कुछ ही दिनों में मैं हो जाऊंगा टाउन हॉल मैक्स। फिर टाउन हॉल 12 को मैक्स कैसे करना है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइक इट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच और नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून्ड।